नमस्कार, हम छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। आलू की छोटी सी खेती या जैविक तरीके से, हम जैविक नहीं प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं आलू और चने की। उसमें किसी भी तरीके का हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी पैदावार कैसी होती है। ये पूरा हम रूटीन इसका रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे कि आप प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो आपको कितनी पैदावार मिलती है, या फिर आप जैविक तरीके से करते हैं तो कितनी मिलती है। चलिए, अभी हम इसी खेत में, अपना छोटा सा हमें खेत मिला है, दिख रहा है कि नहीं? ये हाँ, इसी में भी हम चना लगाने वाले हैं। आज हम आलू की खेती करने जा रहे हैं। हम आलू जो है प्राकृतिक तरीके से करेंगे, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं डालेंगे। हम प्रयोग के लिए अपनी थोड़ा से घर के सामने जमीन थी, कुछ कर रहे हैं खेत में। पापा को लग रहा है कि केमिकल तरीके से ज़्यादा अच्छा था, प्राकृतिक तरीके से कम अच्छा होगा। हम इसका भी थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं कि अच्छा होगा या नहीं। अच्छा होगा तो अगले साल से अच्छे तरीके से की जाएगी। इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कि सबूत भी रहे ना, नहीं तो लोग कहेंगे क्या सबूत था तुम्हारे पास। तो ये हमने सीमेंस खाद बनाई है, इसको 2 महीने पहले बनाया था। तो इसको अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। तो पानी मिलाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जैसे हम लोग FIM का यूज़ करते हैं खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे हो गया कि 20-30 क्विंटल एक एकड़ में डालते हैं कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, उसको हम इसको सीमेंस खाद बोलते हैं। इसलिए हमें अपने खेत में बहुत कम ही डालना है, जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं हम लोग। अब जो आलू है, किसान तो पास पास लगाते हैं, बट किताबों में लिखा गया है एक आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब इतना 25 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख लेते हैं 25 सेंटीमीटर, मतलब एक आलू यहाँ, एक आलू यहाँ, तो हम यहाँ यहाँ पे लगाएंगे। और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हमारा 50 सेंटीमीटर है पूरा। तो चलिए लगा लेते हैं 25 सेंटीमीटर। हमने इंची टेप लिया है, उसी के हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए। आलू के बीज भी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसको जज मत करिएगा, बस ऐसे ही चलना। इसकी पैदावार जब होगी तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसी होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाएंगे कि आलू की बुवाई से लेकर आलू के लास्ट तक कैसे कैसे सारी प्रक्रिया हुई, कैसा आलू निकला।